गुड मॉर्निंग गाइस, ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह ब्रेकफास्ट से। हम कर रहे हैं ब्रेकफास्ट इडली सांभर जैसा कि दिख रहा है। और ये बताइए क्या है, बहुत ही अलग सा लग रहा है। मैं ही बता देती हूँ, ये है मिर्च जो कि बहुत ही लंबा और काफ़ी अलग शेप का है। और यहाँ पे महाराज लोग देख रहे हैं क्योंकि आराम से ये देख सकते हैं। इनको भी देखिए, सबको देखिए। यहाँ पे बन रहा है हमारा स्पेशल सब्जी कि अक्सर मैंने बहुत सारा इसका वीडियो भी बनाया हुआ है। ये आज का लंच है हमारा, सिंपल सा विद अनियन। और मौसम तो जैसे कि मानसून है तो मौसम सही रहेगा। फिर इसके बाद सीधा शाम को हम चले बाहर। तो आज हम जा रहे हैं स्टूडियो। मुझे बहुत दिनों से जाने का मन था, मैंने बहुत सुना है उसके बारे में, लेकिन आज तक नहीं। घर से काफ़ी दूर है और कभी मैंने कोशिश भी नहीं की जाने की, और आज जा रही हूँ। तो मैंने वापस सुना है 49 और 99 में अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती हैं, देखते हैं। अच्छा, ये है मरीन ड्राइव, हमारे यहाँ का मरीन ड्राइव जो कि सबसे बड़ा मरीन ड्राइव है। तो ये रहा जूडियो, जिसका कलेक्शन अंदर चल के मैं दिखाती हूँ। देख सकते हो, पता नहीं आज क्या था ऐसा कि गाड़ी की पार्किंग बहुत दूर दूर तक लगी हुई थी। ये देख सकते हो फुटवेयर कलेक्शंस, अफोर्डेबल तो है पर मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। फुटवेयर जीन्स वगैरह डेनिम अच्छे थे, और टी शर्ट वगैरह तो सारे क्रॉप ज़्यादा होते हैं आजकल, जहाँ भी देखो वहाँ क्रॉप ही ज़्यादा मिलते हैं। और कॉट सेट जो कि टी शर्ट और लोअर वाला होता है वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और वो ठंड के हिसाब से काफ़ी अच्छा था। डेनिम मुझे सबसे अच्छा डेनिम का ही कलेक्शन लगा, रफ एंड टफ वाला सीन है क्योंकि ज़्यादा 99 का ही था, 999 का तो बेस्ट है वो। रफ यूज़ भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और टॉप वगैरह अच्छे हैं, जिनकी हाइट थोड़ी सी मीडियम हाइट है उनके लिए बहुत अच्छी है। ये वाला टी शर्ट मुझे अच्छा लगा, और ये डेनिम मैंने सेलेक्ट किया था। इसके अलावा भी दो तीन डेनिम मैंने सेलेक्ट किया है, पर देखते क्या क्या लेना है। और ये है नेल पेंट्स जो 79 पर है, जो ज़्यादा कलर्स नहीं है जो मुझे ज़्यादा पसंद है, मुझे पाउच वगैरह पसंद है ये सब, ये मैंने लिया भी है। और ये है लिप बाम, बहुत सारी चीज़ें इसको मैंने ट्राई किया मैं, क्योंकि मैंने कभी इसका परचेज़ नहीं किया तो वेस्ट साइड मुझे पता नहीं था कि कमर का साइज़ क्या होगा, तो मैंने ट्राई करके देख लिया। और ये सारे छोटे छोटे चीज़ें जो कि काफ़ी सस्ते और अच्छी मिल रही थी तो मैंने ये सब देख लिया। और भी हमने कुछ कुछ शॉपिंग की है यहाँ से, फिर इसके बाद हमें लगी थी भूख। हम जा रहे हैं, दिखाती हूँ आगे कहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम अक्सर जाया करते हैं कहीं से लौटने के बाद। और ये है जैसा कि मैंने बताया पहले भी, हमारे यहाँ का मरीन ड्राइव जो कि काफ़ी सुंदर और काफ़ी लंबा है, काफ़ी लंबा है। और सड़कें भी काफ़ी अच्छी हैं, अच्छे अच्छे कॉलेजेस और होटल वगैरह इसी रोड में है, काफ़ी अच्छा रोड है। वैसे तो मरीन ड्राइव हर जगह का अच्छा ही होता है पर हमारे यहाँ कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। और ये है खाओ गली, यहाँ पे हम खाएंगे सोया चाप जो कि आजकल कुछ दिनों से मेरा फेवरेट हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है सोया चाप विद रुमाली रोटी। और आज हम लोगों ने सोया चाप ही लिया था, फिर उसके बाद चाय पिया था हमने। और यहाँ पे मटके में चाय मस्त मिल रहा है, पर इतना सा चाय ही मिला था। फिर ये मैंने रात का घर जाने तक का नहीं बनाया था, फिर दूसरे दिन सुबह फिर हम लोग रेडी होके जा रहे हैं बाहर। तो जैसे ही हमारे निकलने की बारी होती है, अगर हम कहीं भी सुबह निकल रहे होते हैं तो बारिश हमारे साथ साथ निकलती है। देख सकते हैं ऐसे देखने में लग रहा है कि बिल्कुल थोड़ा थोड़ा बारिश है, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और देखिए मैंने क्या रिकॉर्डिंग किया है, कितना सुंदर वीडियो, कितना सुंदर लग रहा है ये फ्लावर, पेपर फ्लावर जिसको कहते हैं।
और ये मुरझा ही नहीं रहा, कितने दिनों से पेड़ में लगा हुआ है। तो बारिश भी हमें अब रोक नहीं सकती, अब हम जा रहे हैं बारिश में ही, क्योंकि हमें जाना है गाड़ी से, तो बारिश से कोई मतलब नहीं है, बारिश आती ही रहेगी क्योंकि मानसून सीज़न है। तो अब मैं जाके दिखाऊंगा, ये गाय माता को कुछ हुआ है, बहुत ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। और हम सब जा रहे हैं सोडा पीने, तो सोडा पीने के बाद फिर से हम चल दिए थे मरीन ड्राइव की तरफ, क्योंकि हमें कुछ काम था। तो मरीन ड्राइव से होने के बाद हम जाएंगे कहीं और, तो उसी रास्ते से गुजरने के बाद मैं दिखाऊंगी कुछ और भी आपको हमारे यहाँ का। तब तक आप देखो सुंदर सा नज़ारा, और अब ये रहा हमारे यहाँ का साईं मंदिर, जो कि दिल्ली के लोटस टेम्पल की तरह बिल्कुल दिखता है, बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही साफ सुथरा सा है, और हरियाली तो आप देख ही सकते हो। तो मैं अभी थोड़ा सा वॉइस ओवर रोक देती हूँ, देखो आप लोग खुद ही। और ये है यहाँ का डायमंड पार्क, जिसको दरोजी टाटा पार्क भी बोलते हैं, मतलब नाम तो आप देख ही सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसको डायमंड पार्क, मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर डायमंड शेप की ही हैं। सुंदर सा पार्क है। शाम के बज रहे हैं 5, मौसम भी मस्त सा हुआ है, आप देख सकते हो सुंदर सुंदर नज़ारे। और मैंने यहाँ पे अभी कैमरे को स्टिल नहीं रखा है, ओह लग रहा है मैं चल रही हूँ और मेरा कैमरा ऑन है। ये रहा डायमंड, और ये यहाँ की साफ सफाई देख सकते हो। इनके बारे में आप लोग गूगल करो, पता चल जाएगा कौन है ये। और आप लोग को अच्छे से डायमंड दिख रहा होगा, देख सकते हो वो जो यहाँ पे पेड़ वगैरह भी, उनको भी जितने कोशिश की गई है डायमंड शेप के ही है, और काफ़ी बड़ा और हरा भरा सा पार्क है, जो कि आराम से शांति से आकर बैठ सकते हो। तो फिर हमें लग गई थी भूख, तो हम लोग गए थे बेकरी शॉप, जो कि यहाँ का अच्छे बहुत ही अच्छा बेकरी शॉप है, जहाँ पे हमने खाया था इटालियन रोल कुछ है, ये डोनट और पेस्ट्री वगैरह बहुत कुछ खाया था हमने। फिर उसके बाद निकल कर भेलपूरी भी खाई थी, ये चना भी खाया था, इसके अलावा हमने और भी चीज़ें खाई थी जो रिकॉर्ड नहीं किया था, क्योंकि हम लोग ने डिसाइड किया कि आज इस तरह की चीज़ें खाएँगे। और फिर दूसरे दिन सुबह सुबह, फिर उसके बाद मैं घर जाने के बाद रिकॉर्ड करना भूल गई थी, तो फिर सुबह सुबह मैंने वीडियो बनाया था फूल तोड़ते हुए, जो कि अभी हमारे यहाँ की फूल की संख्या थोड़ी कम हो गई है, मतलब हो रही है 20-25 फूल हो रहे हैं, बट पहले जिस तरह से हो रहे थे अभी उतने नहीं हो रहे। तो सुबह के वीडियो में यहीं तक एंड, कहने का मतलब ये है कि ये वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।